गाने में एवरी सॉन्ग यू ग्रोइंग एज एन एक्टर दैट्स सो सच अ प्लेजेंट साइड व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट जब तक करण सर मुझे काम नहीं देते तब तक मैं ऐसे काम करते रहूंगा बट जोक्स अपार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कलाकारों के साथ जुड़ रहा हूँ और ऐसा ज़माना चल रहा है जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं हम एज आर्टिस्ट वी कैन कोलैबोरेट और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए हम अपना काम दिखा सकते हैं वी डू नॉट नीड यू नो टू वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी इज़ हियर और ये जो ज़माना चल रहा है ये हमारे हित में है जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है ताकि हम अपना फन अपना कला हमारे ऑडियंस के सामने डायरेक्टली पेश करें अदरवाइज यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू अ चैनल अब वो चैनल की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स वी नीड दैट टू एंड टिल दे नोटिस अस वी विल कीप डूइंग कोलैबोरेशंस बिकॉज द बिगर इट गेट्स द बेटर एंड हु डजंट वांट टू यू नो बी लॉन्च्ड इन अ नाइस वे बट यू नो जब तक वो नहीं मिलता अब तब तक के लिए एटलीस्ट यू नो आई एम गोइंग टू कीप मैं अपने आप को तराशना चाहूँगा एज एन एक्टर एज यू नो एज अ कोरियोग्राफर एज अ डांसर एंड आई फील वेरी प्रिविलेज कि मेरे साथ यू नो विशाल जुड़ गए हैं उनकी आवाज़ उनकी जो उनका जो सुर है उनका जो यू नो जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरीके से वो एक सेंसेशन बन गए हैं सो व्हेन ही अप्रोच मी टू काइंड ऑफ से विल यू काइंड ऑफ डू दिस आई वाज लाइक वाओ यू नो फर्स्टली नाम और काम उनसे भी बड़ा मोर इम्पॉर्टेंटली जो गाना मैंने सुना वो दिल को मेरे बहुत छू गया एंड वी हर्ड दिस अ वाइल अगो और फिर वो बिजी हो गए फिर मैं यू नो अब्रॉड चला गया फॉर माई इंटरनेशनल टूर बट जब वापस आया तो फिर सौरभ ने बोला द डायरेक्टर इज लाइक करे सर आई सर हाँ विशाल सर रेडी है सर हाँ तो फिर देर किस बात की तो फिर वी वर लुकिंग फॉर द गर्ल वी कुडंट फाइंड द गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड फिर हमें हमारी हीरोइन मिली दरिसा जो उस किरदार को निभा सकती थी सो आई थिंक ये ना कहीं एक सेरेंडिपिटी है कि कभी कभी हर चीज़ का एक वक्त होता है जब तारे मिल जाते हैं ना जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बन जाता है और मैंने सौरभ को भी कहा था कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से हम इसको निभाएंगे अंडर वाटर डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी यू नो जो हमें बहुत ही इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना था लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ हम सब के साथ दैट डे वॉज मैजिकल जो भी यू नो अड़चन हो रही थी वो अपने आप यू नो इट वॉज गेटिंग सॉल्वड एंड कहीं ना कहीं वो हमारे हित में था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो नहीं होना था जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ वो भी हमारे हित में था सो आई थिंक देर इज़ अ पावर ऑफ यू नो द यूनिवर्स और वेन जब सरस्वती हम पर कुर्बान है तो आई थिंक एवरीथिंग एल्स जस्ट वर्क्स इन आवर फेवर सो आई वॉन्ट थैंक एवरीबडी ऑन द टीम कौशिक भाई जो है ना ये हमारे लिरिसिस्ट हैं और इन्हें जो इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं स्पेशली जो यू नो जो वर्स आता है आई टेल यू बाय गॉड मैं बहुत हिल गया था वो एक लाइन पे वो मैं कुर्बान हो गया उस पर बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड मैं चाहूँगा कि यू नो कहीं ना कहीं विशाल खां इस मौके पे चौका मार के बिकॉज आई टेल यू बहुत सारे सिंगर्स हैं एंड ऑफकोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट बट आई डोंट नो वॉट इट इज़ जब उन्होंने मुझे स्टूडियो में गाना सुनाया लाइव हाँ कुछ नहीं था सिर्फ आवाज़ और इवन इन द म्यूजिक हमने कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया है एंड दैट्स द पावर ऑफ हिज वॉइस यू डोंट नीड एनीथिंग ही इज़ एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ हिज वॉइस इज़ एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ सो व्हेन यू हियर हिज वॉइस और जब वो लाइव गाते हैं तो वो कशिश जो है वो जो दर्द है इज़ जस्ट इनसेन मैंने जितना था बोल दिया अब भाई मेरे को वर्बल डायरिया है सो मानता हूँ आई स्पीक अ लॉट सो आई एम गोना लेट द डायस नाउ पहले तो आप सब लोग का स्वागत है और माफी की आप लोग को काफी देर लग गई देखिए ये मौसमी गाना नहीं है बरसात कि जब इसमें हम बात कर रहे हैं तो वो मौसम वाली बरसात नहीं है ये वो बरसात है जो आपकी आंखों से बरसती है जो आपके दिल से बरसती है जब आप किसी से इश्क में होते हैं जब आप किसी के जुदाई के गम में होते हैं जब विरह होती है तो वो बरसात की बात हो रही है और वो बता रहा है उसको इतना याद कर रहा है कि आओ ना बरसात आई कि उसकी आँखों से वो बारिश हो रही है क्योंकि वो उसको इतना याद कर रहा है एंड दी होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग इज़ कि हम सारे इंसान इतने एक जैसे हैं सब सिमिलर ही हैं जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं या हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हमारी नीड क्या है हम एक ऐसा एकम्पनीमेंट चाहते हैं ऐसा साथ चाहते हैं जो कि सर्वोपरि हो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो
and this is the saath, this is the relationship that they are talking about in this song, and I'm so glad that we all came together. Maza ye hai jab kala kalakaron ke saath banayi jaye sangeet, isliye bolte hain kyunki ye geet sang mein hota hai. Ah, lovely. And ye sang hai, सारी एनर्जीज मिलती हैं तब एक गाना बनता है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों तक पहुंच रहा है, आज हमारे भाई लोग भी और लोगों तक पहुंचाएंगे, एंड इट कांट बी एनी बेटर देन दिस. ओह गॉड नो. देखिए कलाकार कैसा, अगर अच्छा कलाकार होगा तो मैंने जैसे कि अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बोला था इनके बारे में कि एक अच्छा कलाकार किसी भी अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा ही होगा. एक बिकॉज ही इज अ गुड अमेजिंग अमेजिंग डांसर, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, तो वो एक्सप्रेशन वो एक्टिंग में भी लाएंगे, वो अगर गाएंगे भी तो भी वो एक्सप्रेशन आएगा. हो सकता हो बेशक उनकी आवाज़ अच्छी हो ख़राब हो, दैट समथिंग एल्स, बट वो एक्सप्रेशन ज़रूर आएगा. वो जो कुछ करेंगे वो अपना घर भी रखेंगे उसमें भी वो एक्सप्रेशन आएगा. वो कलाकार उसके साथ पैदा होता है, एंड व्हेन एवरीबडी ऑन बोर्ड इज़ लाइक दैट, चाहे वो लरिसा हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो कौशल हो, मयूर हो, आज हम सब लोग भी यहाँ पे भी देखिए एक एनर्जी का जो बलून है, सब अच्छे लोग मिले हैं ऐसा लग रहा है. व्हेन एवर दैट विल हैपन इट इज़ गोइंग टू वर्क. हो सकता है कि जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लोगों को होती हैं कि नहीं यार 200 मिलियन हो जाना चाहिए थी, वो मुद्दा ही नहीं है. मुद्दा अच्छी कला बनाना है, अच्छी कला बना के लोगों को देना है. अकेले लोग हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग अकेले होते हैं, उनको साथ चाहिए होता है, और वो साथ होता है संगीत. आप बचपन में जब मैं उन्नाव में रहता था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ पे विविध भारती बजता था, तो हमें लगता था कि कोई हमारा साथी है जो हमारी बात सुन रहा है. आज हम बम्बई में रहते हैं लेकिन ख्याल वही है, साथ चाहिए सबको, एक गाना चाहिए, सब एक गाने पर निर्भर करते हैं, और वो ये गाना है जिसमें कला भी है, जिसमें साथ भी है, जिसमें प्यार भी है, जो सबका साथी बन सके. मेरी ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, लिरिक्स तो एक छोटा सा पार्ट है. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई के साथ. मैं अगर आप देखेंगे मेरे काम के लिस्ट तो उसमें 90-95% मिलेगा आपको भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना इतना अच्छा लगता है इनके साथ काम करके. ये गज़ल सुनते हैं, सुनाते भी हैं. बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको मैं नहीं जानता था, उनसे इन्होंने मुझे मिलवाया कि इसको सुनो इसको सुनो, तो ये मुझे मेरे लिए एक मेंटोर भी हैं अगर मैं ऑनेस्टली से बताऊँ तो. मुझे तो बहुत मजा आता है, चाहे वो मुस्कुराएगा इंडिया लिखूँ या रामायण अयोध्या लिखूँ या मैं छठी मियाँ लिखूँ या आओ ना लिखूँ, तो इनका मेरे ऊपर बहुत मुझे लगता है कि बहुत ब्लेसिंग भी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है काम करके. और आओ ना के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहली लाइन है या भीगी भीगी तेरी यादों में डूबे हैं भीगे भीगे, तो जिस तरह से शूट हुआ है, जिस तरह से सर ने परफॉर्म किया है उसमें, डूब गए हैं, मतलब वो जो लिटरली डूब गए सौरभ, पानी के अंदर ही है. सौरभ ने जिस तरीके से किया है, मैम ने जिस तरीके से किया, तो वो ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड वर्क है, और ऐसे काम हम और करते रहेंगे. To be honest, because the moment I heard the song, I was talking to Saurabh and I said, it felt like I was hearing the song and it was just me and the whole world was just like moving and I was just like stuck in one place. Like I was like, I was living the song, like it touched my soul, and with Terrence on board and me and him, the song and with Saurabh, the lyrics, everything was just amazing, and I feel really lucky to be chosen to do this song. The underwater was my favorite. I'm gonna say because it was hilarious. At one point, I went diving, and he was already there, and he was holding my face, and my body couldn't stay underwater for too long, so my body was going up, and I was just like my face underwater. And it was like amazing to shoot, and it was fun. Like he said, it was magical, like something amazing was happening in that day. Like the universe was in our favor, and everything just became beautiful and magical and amazing outcome. Yeah. So yeah. देखिए है, ये लगता नहीं है लखनऊ का रहने वाला है, तो जब ये कुछ गलत करता है तो उसको धमकी देता हूँ कि मैं उन्नाव का ही हूँ और लखनऊ 60 किलोमीटर ही दूर है. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विशाल भाई को, मयूर भाई को. रीज़न ये है
कि जब ये गाना उन्होंने मेरे को बोला सारा ये गाना आप करो, तो जैसे क्रिएटिव थे वो इट वॉज समथिंग दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मैं ऐसा कुछ इस गाने में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरली बाकी जो म्यूजिक वीडियोज बन रही है उसकी एक उसका एक सर्टन वे है, उसमें स्टोरीटेलिंग गाने हैं, रोमांस, सैडनेस, बट विशाल भाई और मयूर भाई ने बोला सौरभ यू नो वी आर विथ यू यू डू इट, सो फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन टेरेसा केम ऑन बोर्ड एंड आई टोल्ड हिम दैट नो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इट, एंड ही वॉज अप फॉर इट लाइक लेट्स डू इट, एंड देन यू नो फॉर मी इट वॉज अ टीम वर्क, ये मेरा किडिंग मैथ नहीं है, ये विशाल भाई का मयूर भाई का सबका सपोर्ट था तब जाके ये हो पाया, अदरवाइज समटाइम्स एज अ डायरेक्टर आप कुछ सोचते हो और अगर आपके टीम के लोग उससे सहमति नहीं रखते तो फिर वो बाहर नहीं आ पाता है फॉर सम रीज़न, क्योंकि सबके इनपुट्स आते हैं, बट फॉर दिस एवरीवन वाज़ सेइंग यस कि सॉरी यस गो फॉर इट, एंड द सपोर्ट वाज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड व्हिच आई गॉट फॉर दिस सॉन्ग, एंड दैट्स व्हेन इट केम आउट लाइक दिस। मैं भी अभी अपने को बच्चा समझता हूँ, अभी उतरा हूँ मैदान में, बहुत कुछ बाकी है, वो है ना गाना अभी मुझ में कहीं, बहुत सारी ज़िंदगी अभी भी बाकी है, एंड आई फील मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी जनता को ये करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आई ऑलवेज फील कि मुझे बहुत प्यार लोगों ने दिया है, यू नो इवन आई स्टार्टेड ऑफ आई डोंट थिंक आई वॉज द बेस्ट, बट कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं अभी मेरा पूरा बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, मैं अपने आप को तराश रहा हूँ, और जैसे ही काला पत्थर होता है ना जो उसको तराशने के बाद वो हीरा बनता है, तो मैं वो कोयले के खान से हूँ, वो पत्थर हूँ, अभी तराश रहा हूँ अपने आप को, हीरा जब बनूंगा तो लोगों के प्यार से बनूंगा, तो आई जस्ट फील कि मैं अभी भी रॉ हूँ, एंड आई फील कि मैं मेरे दिल में बहुत सारी तमन्ना है, और आई थिंक आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ पीपल, और आज की जो पीढ़ी है ना दे नॉट यूनी डायमेंशन, आई डोंट फील एनी बडी इज़ यूनी डायमेंशन, सब समझते कि एक ही चीज़ में हम यू नो हम डेफिनेटली विल बिकम we should follow one thing and do in life. I feel yes, you should specialize in one thing, but I think you should explore everything in life. And I think art is art. Hum art ko you know divide karte hain, but art should be multiplied, should not be divided. So in my opinion, apne aap ko explore karo. Yahan galtiyan hongi, ha you will face failure, but even when I started dance, I was not perfect. Wo achhi baat hai ki logon ko pata nahi tha ki main dancer ban raha tha tabhi. तो लोगों की नज़रें नहीं थी, तो कितनी गलतियाँ की हैं, अब क्या है कि अब हम डर जाते हैं कि अब सब लोग हमें देख रहे हैं, हम एक भी कोई भी मैदान में हम उतरे हैं, जैसे जहाँ पर हम नौसिखे हैं तो लोग हमें हमारी चटकारे मारेंगे, हमें यू नो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, एंड आई थिंक हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, एंड आई फील वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म से ही हम आगे बढ़ते हैं, माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म, माई पेरेंट्स क्रिटिसाइज मी फॉर एवरीथिंग, मेरे घर में ही मेरे 8 भाई बहन हैं, वो मुझे डिस करते गए, नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, तो हमको बस ज़्यादा मत समझ, आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू नो लोगों में घर में सब बहुत यू नो इनकरेजमेंट मिलता है, और बाहर जाके फिर उनको डर लगता है, मेरे में ऑपोजिट हुआ, मेरे घर वाले मुझे डिस करते थे, बाहर के लोग ने मुझे बहुत अपनाया है, तो ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं, और आप क्रिटिसाइज़ भी करते रहें, क्योंकि जितना आप क्रिटिसाइज़ करोगे मुझे, मैं कंस्ट्रक्टिवली इसको लूँगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए है, आई फील माई लाइफ सम पीपल्स लाइफ आर फॉर द ऑडियंस, आई फील आई मेंट टू बी फॉर द ऑडियंस, एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं आई थिंक इन सम वे इन सम लेवल, ये थोड़ी डीप लेवल की बात है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कहीं ना कहीं हम अलग अलग मनुष्य हैं, आई थिंक आई बिलोंग इन अ मोर ऑफ अ गंधर्व जोन, I feel I am that part where I want to be a part of the tradition and culture which celebrates art. So I'm an artist too, and I want to explore myself. नहीं मैं बहुत ध्यान से इन्हें सुन रहा हूँ, एंड देखिए इनके बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लेकिन जितना भी वक्त यहाँ पर बिताया है, ये बहुत संजीदा कलाकार हैं, और संजीदा कलाकार हमेशा लोगों पर असर डालता है, और ये जो भी करेंगे उसका लोगों पे असर होगा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जब ये बात करेंगे इन्हें लोग सुनेंगे, और मुझे लगता है सब एक समान सोच के लोग जब जुड़ते हैं तो फिर इस प्रकार का गाना बनता है और लोगों से प्यार करते हैं। किसने बताया आपको 17 फिल्में करी 17 फिल्में
अभी अभी हमारी एक फिल्म आई है मिली. ओ या रहमान साहब का म्यूजिक है, जावेद साहब ने लिखा है, हमने गाया है. Nice. जिसने नहीं देखी प्लीज देखिए जाकर. प्रमोशन प्लग इन भी हो गया. तो क्या wow. करेंगे आप आने वाली फिल्म में. हाँ जी यस यस. देखिए आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी अराउंड द बेस्ट, चाहे वो मेरी नोटबुक हो, चाहे वो कबीर सिंह हो जिसे लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे गाने कैसे हुआ को इतना प्यार दिया, पहला प्यार को इतना प्यार दिया, चाहे वो सांड की आँख हो, चाहे वो खुदा हाफिज़ हो, या आने वाली मेरी जितनी भी फिल्में हैं. मतलब मैं ब्लेस, मैं तो जहाँ से आया हूँ उन्नाव से, वहाँ पर मेरा ख्वाब ये था कि एक बार कैसेट के पीछे. आप में से कौन लोग उत्तर प्रदेश बिहार से, बहुत लोग हैं, तो ये सब मेरी बात समझेंगे. ये जो ये भी जो काम कर रहे हैं इसमें भी इनको बहुत खिलाफत मिली होगी. ये क्या है तुम यार मीडिया में जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप किसी को बोलेंगे उत्तर प्रदेश बिहार में कि आप से पूछेंगे परिवार के लोग कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ. नहीं वो तो है, करना करोगे क्या. वहाँ से आए हैं तो सपना है कि एक सपना था कि एक गाना कभी रिलीज हो जाएगा और फोटो आ जाएगी तो फिर पापा को दिखा देंगे ये देखिए हमारी फोटो छपी है दैनिक जागरण में, हम वेट हो गए हमारा काम हो गया. तो जो कुछ भी हो रहा है ये सपने से परे है. और मैं अपने जैसे उन लोगों के लिए म्यूजिक बनाना चाहता हूँ जो कि इन लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स को महसूस कर सकें, जो 17वें माले या 20वें माले या 25वें माले से दुनिया को नहीं देखते क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रहते. और खुशनसीबी ये है कि उस प्रकार के लोग मिलते जा रहे हैं, चाहे वो संदीप वांगा हो एज ए डायरेक्टर, चाहे वो मुराद कतानी हो एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो मैडॉक हो, चाहे वो जितने भी मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं. आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु हैव लेट मी प्रॉस्पर माय आर्ट, जिन्होंने मुझे मेरी कला बढ़ाने और कहने में मदद की. और ऑडियंस भी वैसी है क्योंकि समझती है, इमोशनल ऑडियंस है, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं. इमोशनल गाने, अच्छे गाने, लोगों का अकेलापन दूर हो, लोगों को कंपेनियनशिप फील हो. और जब तक मैं करता जा रहा हूँ तब तक मुझे लगता है कि कोशिश यही रहेगी कि ऐसे गाने बनते रहें जो लोगों को हील करें. मेरे घर वालों को ऐसा नहीं लगता कि मेरे घर वाले, मेरी मम्मी अवधि में बात करती हैं, उनका जन्मदिन था कल, तो मैं कल हम एक रियलिटी शो शूट कर रहे थे, वहाँ से घर पहुँचे तो आप हाई में होते हैं यार, आप रियलिटी शो शूट करके आए हैं, फैंस हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, घर पहुंचे मेरी मम्मी का कही हो कड़ी चावल कड़ी चावल. जब मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ सारा फतूर उतर जाता है. तो वो कमाल है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता. और रोल मॉडल वगैरह का तो पता नहीं. एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जब मैं यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, मेरा छठ का गाना भी आया जो सारे बिहारियों ने बहुत भव्यता से सेलिब्रेट किया, जो भी छठ मनाते हैं उनकी आंखों में ख्वाब दिखता है कि हमारे बीच के लड़के ने किया तो हम भी कर सकते हैं. अब कोई माँ बाप ये नहीं बोलता, जब कोई लड़का मेरे शहर में ये बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है या म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो ये नहीं पूछते कि करोगे क्या, तो बोलते हैं हाँ इसने किया तो ये भी कर सकते हैं, ये जीत है, इसी को बड़ा करना और कुछ. Yes. Yeah. You know, honestly, जब मैं अपने युवा जीवन जी रहा था तब मुझे ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कितना अच्छा करूँ, बस हम खेलते गए. इट वॉज मोर लाइक प्लेफुलनेस. और खेलते खेलते काम मिलते गया, पैसे मिलते गए. ऑनेस्टली मैंने जब डांस शुरू किया था तो मुझे मैं फ्री में करता था सबके लिए. फिर सडनली मुझे पैसे मिलने लगे, इसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैं तो सोचा कि पढ़ाई लिखाई करके, आई वॉज एन स्कॉलास्टिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट, एकेडमिकली ब्राइट था, मैथ्स और साइंस में मेरा रुचि था. सो आई नेवर थॉट कि मैं डांस को करियर बनाऊंगा. लेकिन डांस ने सडनली, आई वॉज गिविंग डांस ट्यूशन, पॉकेट मनी वॉज कमिंग इन, कॉलेज फीस वॉइंग पेड, तो वो यू नो मैंने बहुत हल्के में लिया और कुछ बन गया. अभी क्या है ना कि वेन यू आर गिवन दैट काइंड ऑफ लव एंड पावर और वट एवर इन दैट सिचुएशन, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि ये तुम्हारी प्रिविलेज है, एंड देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आपको प्रिविलेज में. तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा तो चल जाएगा. तो चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो यू नो एक्टिंग हो, उसकी कोचिंग लेना, उसकी ट्रेनिंग लेना, उस पर ध्यान देना, उस पर मेहनत करना, ये आपका फ़र्ज बनता है. बिकॉज अपॉर्चुनिटी शायद आपको कुछ लोगों से ज़्यादा मिलेंगी, सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यू विल वर्क एज हार्ड एज एवरी न्यू कमर. जब हम सेट पे भी बात कर रहे थे, लरिसा और मैं बैठे थे सेट पे, और कुछ ना कुछ रीजंस के लिए, टेक्निकल रीजंस के लिए, सेटिंग की डिपार्टमेंट कुछ हमें देरी से, दे वर टेकिंग मोर टाइम.
And they were asking us, are you guys okay? I said, don't ask us if we are okay. We are artists. हम दिखने वाले हैं. ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो उठा रहे हैं कैमरा ये वो, उनका ध्यान रखो. Because, you know, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है. We can't afford to complain. So when actors try to complain, say, यार कितना काम है, oh my God. I'm like, dude, आप लोग दिख रहे हैं, मैं हम दिख रहे हैं. हमारा काम आगे जाएगा. We'll get paid probably more than everybody else in that room. So we need to be very mindful and respectful that we should be the hardest working people in that room. Beautiful. Beautiful. As actors, as artists, हम सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमारे मुँह से चू तक नहीं निकलनी चाहिए. And this I feel very strongly about. As artists, we must work more hard than everybody else in the room. Because क्योंकि वो light उठाने वाला जो आदमी है, who's picking up the lights, who's doing the, जो हमें चाय पिला रहा है, the, even my staff, they are working round the clock. वो बैठते भी नहीं है. हमारे लिए फैन आता है, सर खाओगे कुछ. So you know, I think we need to be recognizing the fact कि ये सब मिल रहा है. So if there's anybody working hard in the room, it has to be the actors. Beautiful. Beautiful. Yeah? तो हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू. एंड आई लव वर्किंग हार्ड. आई लव फीलिंग लाइक यू नो, मैं अभी शुरुआत किया है एंड आई फील लाइक दैट. बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ जज, एज अ कोरियोग्राफर, मैं बहुत सेट हो चुका हूँ. इन द सेंस दैट आई नो माई क्राफ्ट, आई नो वॉट टू डू, आई नो हाउ टू इनकरेज माई स्टूडेंट्स. मैं बहुत पैशनेटली जाता हूँ टू जज शोज. बट आई नो, बट इट्स ऑलवेज नाइस टू स्टार्ट समथिंग विच यू डोंट नो. तो वो यू नो, वो बटरफ्लाइज चाहिए लाइफ में. आई लव दैट सेंस ऑफ एडवेंचर कि अभी मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. I could fall completely flat on my face. And I think that is the adrenaline rush that I like. Beautiful. And I live for that. I live for living in that danger zone ki pata nahi. Because as a judge, as a choreographer, I'm too set. I know exactly what's going to happen. And abhi, you know, as a judge, to I've been working for so many years, 12 years in the industry. I feel very safe there and I love it. Deep respect for that. Aur wo meri rozi roti hai. But I want to also explore things where it makes me feel like a completely novice. Or for butterflies jo stomach mein hoti hai, that nervous energy, tab jaake na I think mere pure jo senses hai, hamari jo pancho indriya hai, wo zyada tez ho jati hai. Jab aap comfort mein hote na to aap sust ho jate ho. Jab aap koi danger zone mein chale jate ho na, all your five senses are so sharp and I feel you are more alive then. And I want to feel alive every day. So that's why I want to do these things. Beautiful. Beautiful. What message would you like to give now? मैं हम पांचों में ना जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है और बहुत अच्छी तरह से बात करता है ये विशाल. आप भी बहुत अच्छा, सब बहुत विशाल, बहुत ही बढ़िया. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. आई डिडंट रियलाइज दिस अबाउट दिस. आई हैव ओनली हर्ड हिम सिंग. और इतना अच्छा बोलते भी है विशाल. यू गिव द मैसेज आउट, इट्स योर सॉन्ग. आप और कौशल, आप सारे लोग प्लीज जाके आओ ना, सुनिए. बहुत ही पसंद है हमें गाना, इसलिए सुनिए. आप सबके माध्यम से मैं जो भी लोग हमें देखेंगे सुनेंगे उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं. उन सब ने बहुत मेहनत करी है. जो लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, सारे हमारे भाई बंधु जो यहां बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, इंतज़ार किया सब तक पहुंचाने के लिए. सब लोग गाना सुनिए. क्लिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर ये गाना है. अच्छा लगे तो लोगों को सुनाइए, लोगों तक बांटिए. और सिर्फ हमारा ही नहीं, जिसका भी काम अच्छा लगे उस लोगों को सुनाइए. आओना बहुत दिल से बनाया, इन्होंने बहुत दिल से लिखा है, हमने बनाया गाया बहुत दिल से. टेरेंस भाई, लरिस आर अमेजिंग इन द वीडियो, सौरभ कमाल है, मयूर ने प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा किया है. जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी. तो आप लोग सुनेंगे, प्यार देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. बाकी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए. ऑल्सो साथ में कहूँ कि क्लिक रिकॉर्ड जो है कि एक इंडिपेंडेंट लेबल है. सो आई थिंक वी रियली जेन्युइनली नीड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. आपका सहयोग रहेगा तो आई थिंक वी विल बी एबल टू रीच आउट टू मोर पीपल. यही है कि काम बढ़िया हुआ है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत प्यार से किया है, तो कहीं पर कमी नहीं हुई है. मयूर भाई ने जो सपोर्ट दिया है, यू नो, एज अ प्रोड्यूसर, इज फैंटास्टिक. एंड यू नो, तो अभी जस्ट वॉन्ट कि हम जो कलाकार हैं, हम किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए. हम चाहते हैं कि अपना काम आप तक पहुँचाए, आप हमें पसंद करें. शायद हमें आपको क्रिटिसिज्म भी करें, वो भी चलेगा. बिकॉज वी विल बी एबल टू इम्प्रूव, बिकॉज आर्टिस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द गेम. सो जस्ट लेट दिस गो आउट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. प्लीज शो अस सम लव ऑन क्लिक रिकॉर्ड्स. एंड या, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस थ्रू म्यूजिक. ब्यूटीफुल. थैंक यू.